गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में फंक्शन का बस इंट्रोडक्शन आपको बताया गया था, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, फंक्शन का डेफिनेशन मैंने देखा था कि रिलेशन जो होता है उसमें क्या होता है, सेट ए से सेट बी से अगर रिलेशन है ना, सेट ए से सेट बी से जो रिलेशन है, तो ये रिलेशन जो होता है उसमें सेट ए के कितने भी एलिमेंट, सेट बी के कितने भी एलिमेंट से इमेज बना सकते हैं, है ना। लेकिन जो डिफरेंस बेसिक डिफरेंस है रिलेशन और फंक्शन में, फंक्शन में अगर आपका सेट ए से सेट बी पर, तो हम क्या देखते थे कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट में इमेज बनता है और यूनिक इमेज बनता है, मतलब एक इमेज बनता है, सिंगल इमेज बनता है। तो कुछ हम यहाँ पे एरो डायग्राम बना रहे हैं, आप बताइए मुझे कौन सा फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो मान लीजिए आपका सेट ए है और सेट बी है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स कुछ हम इससे सर्कल से दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट है। अगर आपका कुछ ऐसा हो, इसका इससे इमेज हो, इसका इस पर इमेज हो, इसका इस पर इमेज हो और इसका इस पर इमेज हो, तो क्या हम इसको फंक्शन कर सकते हैं। तो हम लोग डेफिनेशन में क्या देखे थे, पहला आपका था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव इमेज इन बी, हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, जो इमेज है ना वो सिंगल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, है ना। लिखने लिए ना इमेज जो होगा वो यूनिक होगा। तो हम जैसे ही आपको ये दिया जाएगा, पूछा जाएगा आपसे कि क्या ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ए में कितने एलिमेंट हैं। आपको फोर एलिमेंट्स दिख रहे हैं, फोर एलिमेंट दिख रहे हैं, क्या सभी का इमेज बन रहा है। आप देखेंगे कि चार के चारों का कोई ना कोई इमेज बन रहा है, तो हमारा ये जो पहला वाला है ये पार्ट जो है सेटिस्फाई हो जा रहा है कि हर एक एलिमेंट, ये सेट के हर एक एलिमेंट का इमेज बन रहा है। अब दूसरे में बोला गया यूनिक इमेज, यूनिक इमेज मतलब एक एलिमेंट का केवल एक इमेज बने। तो पहले वाले का केवल इस पर इमेज बन रहा है, दूसरे वाले का केवल इस पर बन रहा है, तीसरे वाले का केवल इस पर बन रहा है, चौथे वाले का केवल इस पर बन रहा है। तो आपका क्या है, दूसरा वाला भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब आपका क्या है, सेट ए से सेट बी के जो भी ये रिलेशन है, ये केवल रिलेशन ही नहीं है, ये फंक्शन भी है, ठीक है ना। इसको आप कह रहे हैं ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, है ना। यहाँ पे देखिए दो एलिमेंट ऐसे हैं सेट बी में जो जिस पर कोई इमेज नहीं बन रहा है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं उनका कोई प्री इमेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो दो कंडीशन चाहिए फंक्शन होने के लिए, वो दोनों फुलफिल हो रही है, तो यह एक फंक्शन रिप्रेजेंट कर देगा। दूसरा बात देखते हैं, मान लिया करते हैं सेट ए है और ये आपका सेट बी है, इसमें कुछ एलिमेंट है, इसमें भी कुछ एलिमेंट है। अब इसका इमेज इस पे बन रहा है, इसका भी इमेज इस पे बन रहा है, इसका इमेज इस पे बन रहा है और इसका इमेज इस पे बन रहा है। अब फिर इसको चेक करते हैं क्या ये एक फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्या देखना है, सबसे पहले हमको ये वाला पार्ट देखना है, इसमें क्या बोला गया, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट है इमेज इन बी। तो हम देख रहे हैं इसमें टोटल कितने एलिमेंट है, चार एलिमेंट है और चारों का कोई ना कोई इमेज बन रहा है। तो इसका देखें इसका इमेज बन रहा है, इसका देखें इसका भी इमेज बन रहा है, इसका देखें इसका भी इमेज बन रहा है, इस वाले एलिमेंट का इसका भी इमेज बन रहा है, तो चारों एलिमेंट का इमेज बन रहा है। इसका मतलब पहला वाला पार्ट जो है वो क्या है, सही हो गया। अब दूसरे में क्या बोला गया, यूनिक इमेज, यहाँ यूनिक इमेज का मतलब है सिंगल इमेज। अब देखते हैं जो भी एलिमेंट है सेट ए में उसका जो इमेज बन रहा है वो एक ही बन रहा है या एक से ज़्यादा बन रहा है। तो ध्यान से अगर देखें तो पहले वाले एलिमेंट इसका इमेज केवल और केवल इस पे बन रहा है और किसी पे नहीं बन रहा है। इस वाले का देखा जाए इसका भी इमेज केवल इस पे बन रहा है और किसी पे नहीं बन रहा है, एक पर ही, एक ही एलिमेंट पर इमेज बन रहा है। तीसरे का देखिए इसका भी एक ही पर बन रहा है इमेज, चौथे का भी एक पर ही बन रहा है। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि दो का एक पे बन रहा है, दो का एक पे बनना कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या देखना, आपको ये देखना है ना कि सेट ए का जो भी एलिमेंट है उसका एक ही इमेज बन रहा है या एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा बनेगा तो फंक्शन नहीं रह जाएगा, एक ही इमेज अगर बन रहा है तो फंक्शन हो सकता है। अब उसके बाद ये वाला भी अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो फंक्शन होगा ही होगा, है ना।
क्या को क्या हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ इमेज बन रहा है, और जो भी हर एक एलिमेंट का जो इमेज बन रहा है एक ही इमेज बन रहा है, मतलब सिंगल इमेज बन रहा है। तो हम कहेंगे कि ये भी एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी क्या है, फंक्शन है ना। अब अगर मान लीजिए कि सेट ए आपको कुछ दे रहा है और सेट बी आपको ऐसा, अब ऐसा बन जाए, मान लीजिए ऐसा मैपिंग हो, अब क्या कहेंगे, अब वही चेक करेंगे ना फंक्शन होने के लिए, हमको क्या चेक करना है, ये दो चीजें चेक करनी है कि हर एक एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए। तो हम देख रहे हैं हर एक एलिमेंट का इमेज तो बन रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा हर एक का कोई भी इमेज बन रहा है। अब दूसरी बात हमको क्या देखनी है कि यूनिक इमेज बनना चाहिए, मतलब सिंगल इमेज बनना चाहिए। अब देख रहे हैं कि इसका तो एक ही इमेज बन रहा है, इसका भी एक ही बन रहा है, इसका भी एक ही इमेज बन रहा है, लेकिन इस वाले का अगर देखा जाए इसका दो इमेज बन रहा है, इस वाले एलिमेंट पर भी बन रहा है, इस वाले एलिमेंट पर भी बन रहा है, एक एलिमेंट का दो इमेज बन जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, आपका ये दूसरा वाला फुलफिल नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है। तो ये फंक्शन डी है, इसको आप कहेंगे नॉट ए फंक्शन, ठीक है ना, ये फंक्शन आपका नहीं है। और क्या केस हो सकता है, आपका ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए इसका इमेज इसमें बना, इसका भी इमेज इसमें बना, इसका इमेज इसमें बना, और इसका कोई इमेज ही नहीं बना, तो क्या ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर पाएगा या नहीं। अब देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि हर एक एलिमेंट है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव इमेज इन बी। तो सेट ए में टोटल फोर एलिमेंट सबको दिख रहे हैं, इसमें से पहले दूसरे और तीसरे का तो कोई ना कोई इमेज बन रहा है, लेकिन चौथे एलिमेंट का कोई इमेज नहीं बन रहा है। तो ये आपका पहला वाला केस ही क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। तो ये फंक्शन नहीं रिप्रेजेंट कर पाएगा, आप कहेंगे नॉट ए फंक्शन, ये आपका फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, ये फंक्शन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम देख रहे हैं, क्या क्या केसेज बना, कि या तो सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज बनेगा सेट बी पे, और सेट बी के हर एक एलिमेंट में बन जाएगा, या फिर बी का कोई एलिमेंट खाली रह जाएगा, है ना। देखिए सेट ए के हर एक एलिमेंट का तो बनना ही है, अगर फंक्शन है तो हर एक एलिमेंट का बनेगा। अब उसमें भी दो केस बनेगा, या तो बी के हर एक एलिमेंट में बनेगा, या फिर बी में कोई एलिमेंट खाली रह जाएगा जिस पर कोई इमेज नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम अभी कुछ और नाम जो है वो करेंगे, फंक्शन के कुछ नाम है ना बताएंगे आपको। और क्या हो सकता है कि आपका क्या, या तो ऐसा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट इमेज बनेगा, या फिर क्या होगा एक से ज़्यादा एलिमेंट का सेम इमेज बनेगा। जैसे आपका देखा जाए, अगर इसको हम मिटा दें यहाँ, तो ये आपका फंक्शन हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं, टोटल चार एलिमेंट इसमें है, चार एलिमेंट इसमें है, और डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट इमेज बन रहा है, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें नहीं है, है ना। और यहाँ पे क्या है, हर एक का डिफरेंट डिफरेंट बन रहा है। तो हमारा क्या है, इस फंक्शन का भी कुछ नाम होगा। अब हम वो चारों नाम है ना, जो जो नाम है वो नाम डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या केस हो सकता है। पहला क्या हो सकता है कि सेट ए के जितने एलिमेंट है ना, हर एक का इमेज जो बनेगा वो क्या बनेगा, डिफरेंट डिफरेंट बनेगा, है ना। ये आपका एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, फंक्शन है ए से बी पे, तीन एलिमेंट इसमें है, इसमें टोटल चार एलिमेंट है, लेकिन आपका क्या देख रहे हैं सेट ए में जो तीनों एलिमेंट है, तीनों का डिफरेंट डिफरेंट इमेज बन रहा है ना। हर एक एलिमेंट का अगर डिफरेंट डिफरेंट इमेज बनेगा, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं वन वन फंक्शन। क्या बोलते हैं, वन 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 फंक्शन बोलते हैं। कभी कभी वन टू वन बोल देते हैं, कहें क्यों ऐसा बोल रहा है, एक का एक के साथ इमेज बन रहा है, एक का एक के साथ, जैसे फंक्शन है तो एक के साथ ही इमेज बनेगा, लेकिन एक का बनेगा एक से, या फिर एक से ज़्यादा का एक किसी भी इमेज बनेगा, उसके बेसिस पे हम दो अलग अलग फंक्शन का नाम देंगे। अगर आपका हर एक का एक ही बन रहा है और एक पे ही बन रहा है मतलब, तो उसको हम क्या बनेगा, वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन इसको याद याद रख सकते हैं कि आप क्या होगा, इसमें डिफरेंट एलिमेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए
फर्स्ट है डिफरेंट इमेज, डिफरेंट इमेज इन सेट बी। तो वन वन के लिए आप क्या कहेंगे कि सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट बी के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से इमेज बनाना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट से बनाना चाहिए, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट का सेम इमेज नहीं बनना चाहिए। और दूसरा केस आपका क्या हो सकता है कि मान लीजिए आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है, इसमें क्या हो रहा है इसका इमेज इसमें बन रहा है, इसका भी इमेज इसमें बन रहा है, इसका इमेज इसमें बन रहा है, इसका इमेज इसमें बन रहा है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट इमेज नहीं बन रहा है, यहाँ पे एक से ज्यादा एलिमेंट का सेम इमेज बन रहा है। फंक्शन तो है, क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, चारों एलिमेंट का इमेज बन रहा है और चारों का क्या है यूनिक इमेज बन रहा है, सिंगल सिंगल इमेज बन रहा है। इस वाले एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है इस पर, इस वाले का भी एक इमेज बन रहा है इस पर, इसका भी एक इमेज बन रहा है, इसका भी एक इमेज बन रहा है। तो फंक्शन तो है। अब आपका क्या है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट इमेज बन रहा था, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कम से कम दो एलिमेंट ऐसे हैं जिसका सेम इमेज बन रहा है। ऐसा भी हो सकता था तीन एलिमेंट का सेम इमेज बन जाए या तीन से ज्यादा भी हो सकता था। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। क्या बोलेंगे हम? मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन नाम से देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे इसको हम वन वन बोले क्योंकि एक का एक के साथ इमेज बन रहा था, इसमें मेनी वन इसलिए बोल रहे ना, मेनी वन मतलब मेनी एक से ज्यादा का सेम इमेज बने। अगर आपका कोई एक से ज्यादा एलिमेंट सेम इमेज बना रहा हो तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, जो भी फंक्शन है इस फंक्शन को बोलेंगे मेनी वन फंक्शन, है ना। अब आप ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर आपका कोई फंक्शन वन वन नहीं है, वन वन नहीं है, वन वन का मतलब डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज, अगर वन वन नहीं है तो वह मेनी वन होगा ही होगा। भाई आपका वन वन का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट का डिफरेंट इमेज। अगर डिफरेंट का डिफरेंट इमेज नहीं बनेगा, इससे अलावा क्या हो सकता है कि डिफरेंट का डिफरेंट नहीं बनेगा तो मतलब एक से ज्यादा का सेम, तभी तो डिफरेंट का डिफरेंट नहीं होगा। तो एक से ज्यादा का सेम बना तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, वन वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन हो गया। अब फिर देखते हैं हम, वन वन हो गया, मेनी वन हो गया, अब देखते हैं और क्या चीज हो सकता है। थर्ड केस आपका ये हो सकता है कि ये आपका मान लीजिए सेट ए है, ये आपका सेट बी है, इसमें कुछ एलिमेंट है, इसमें कुछ एलिमेंट है, है ना। ऐसा हो सकता है कि सेट बी के हर एक एलिमेंट पर इमेज बन रहा हो। देखिए ये सेट ए है, सेट बी है, सेट ए में चार एलिमेंट है, इसमें भी चार एलिमेंट है, चार से ज्यादा भी हो सकते थे। अगर ऐसा हो कि सेट बी के हर एक एलिमेंट पर इमेज बन रहा हो, सेट बी के हर एक एलिमेंट पर इमेज बन रहा हो, देखिए हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि रेंज क्या होता है फंक्शन का। फंक्शन का रेंज होता है सेट बी के जिस जिस एलिमेंट पर इमेज बनेगा, मतलब सेट ऑफ इमेजेस को ही हम रेंज बोलते हैं। अब अगर सेट बी के हर एक एलिमेंट पर इमेज बनेगा, हर एक एलिमेंट पर इमेज बनेगा, तो जो आपका रेंज होगा वो क्या होगा, पूरा सेट बी आ जाएगा, क्योंकि सेट बी के हर एक एलिमेंट बन रहा है भाई, जिस पर इमेज बन रहा है उसी को तो, उसी के कलेक्शन को तो हम रेंज बोल रहे हैं। अब अगर हर एक एलिमेंट में बन रहा है तो हर एक एलिमेंट का कलेक्शन आपका होगा, और हर एक एलिमेंट का कलेक्शन ही तो क्या है, बी है, इसका मतलब आपका रेंज क्या हो जाए, बी सेट के बराबर हो जाए। अगर ऐसा केस आएगा तो ऐसे फंक्शन को हम क्या नाम देंगे, ऐसे फंक्शन को हम नाम देंगे ऑन्टू फंक्शन। क्या नाम देंगे, ऑन्टू फंक्शन, ऑन्टू फंक्शन, ऑन्टू फंक्शन। कब कहेंगे, जब आपका रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो, को डोमेन बी के बराबर हो, रेंज ऑफ द फंक्शन को डोमेन बी के बराबर हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या नाम देते हैं, ऑन्टू फंक्शन नाम देते हैं। और क्या हो सकता है, अब अगर कोई फंक्शन मान लीजिए ऑन्टू नहीं हुआ, ऑन्टू नहीं कब होगा, ऐसा कब होगा कि जब वो ऑन्टू नहीं होगा, हमने कहा कि बी सेट के हर एक एलिमेंट पर इमेज बनेगा तो ऑन्टू होगा, अब अगर हर एक पे नहीं बनेगा, है ना, तो ऑन्टू नहीं होगा, ऑन्टू नहीं होगा उसका कुछ और नाम होगा, क्या होगा, उसको हम इंटू बोलते हैं। अब हर एक पे नहीं होगा इसका मतलब ये होगा कि बी सेट में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होगा जिस पर कोई इमेज नहीं होगा, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इंटू फंक्शन बोलेंगे। कैसे बनेगा, आपका ऐसा हो सकता है, आपका सेट ए है, सेट बी है, है ना, तो ये एलिमेंट बन गया, इसका ऐसे बन गया, मान लीजिए इसका ऐसे बन गया, इसका ऐसे बन गया, इसका ऐसे बन गया, एक एलिमेंट सेट बी में ऐसा है ना जो खाली रह गया, जिस पर कोई इमेज नहीं बन रहा है, या फिर ऐसे कह सकते हैं जिसका कोई प्री इमेज नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या नाम देंगे, इंटू फंक्शन, इंटू फंक्शन।
है ना, इनटू फंक्शन। तो आप क्या कहेंगे, r2 के लिए आपने क्या कहा, रेंज ऑफ द फंक्शन इक्वल्स टू सेट b। अब इसमें क्या होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन b सेट के बराबर नहीं होगा, b सेट का क्या होगा, कोई सबसेट होगा, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट b मस्ट नॉट हैव प्री इमेजिंग सेट ए। कम से कम एक एलिमेंट बी सेट का ऐसा होना चाहिए जिसका कोई प्री इमेज सेट ए में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, नहीं करना चाहिए। ऐसा अगर होगा तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन बोलेंगे। तो टोटल हमने यहाँ पे चार फंक्शन का नाम दिया, क्या क्या, वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं है तो वह जो है मेनी वन होगा ही होगा, अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो वह फंक्शन इनटू होगा ही होगा, है ना। तो वन वन के लिए हमने क्या बताया, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज बनना चाहिए। मेनी वन क्या होगा, अगर ऐसा नहीं होगा, मतलब डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट नहीं बनेगा तो हम उसको मेनी वन कहेंगे। तो मेनी वन में हमारा क्या होगा कि कम से कम एक से ज़्यादा एलिमेंट, मतलब एटलीस्ट दो एलिमेंट होगा सेट ए का जिसका सेम इमेज होगा, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। डिफरेंट का डिफरेंट ना होने का मतलब क्या हुआ कि कम से कम दो एलिमेंट ऐसे होंगे जिसका सेम इमेज बनना चाहिए सेट बी के किसी एलिमेंट पर, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेनी वन बोल देंगे। ऑन टू के लिए हमने क्या बताया कि बी सेट के हर एक एलिमेंट पर कोई ना कोई इमेज बनना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि बी सेट आपका क्या हो जाना चाहिए, पूरा का पूरा रेंज हो जाना चाहिए। बी सेट आपका है क्या, और सेट कोडोमेन है, कोडोमेन आपका रेंज के इक्वल हो जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका वो फंक्शन क्या कहा जाएगा, ऑन टू फंक्शन कहा जाएगा। अगर फंक्शन आपका ऑन टू नहीं होगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। फंक्शन है अगर ऑन टू नहीं है तो इनटू होगा, ऑन टू नहीं है इसका मतलब क्या होगा कि बी सेट के हर एक एलिमेंट पे इमेज नहीं बना। बी सेट के हर एक एलिमेंट पे इमेज बनेगा तो हम तो बोल देंगे ऑन टू है। अगर ऐसा नहीं हुआ, हर एक एलिमेंट पे इमेज नहीं बना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑन टू नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन बोलेंगे। तो ये हमने चार टाइप के फंक्शन को डिस्कस किया। देखिए होता क्या है, कोई भी फंक्शन आता है ना, कोई भी फंक्शन जो एग्जिस्ट करता है, कोई भी फंक्शन आप उठा कर देखिए, तो वो जो है इन चारों में से दो होगा, चारों में से क्या होगा, दो फंक्शन इसमें से होगा। जैसे कि आपका क्या है, क्या क्या हो सकता है, या तो आपका वन 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 आर टू होगा, या फिर आपका वन वन इन टू होगा, या फिर आपका क्या होगा, मेनी वन ऑन टू होगा, या फिर आपका मेनी वन इन टू होगा, है ना। जो चार टाइप के हमने अभी फंक्शन डिस्कस किए थे, उन चारों में से कोई भी फंक्शन आप उठा के देख लीजिए, कोई भी फंक्शन जो एग्जिस्ट कर रहा है, कैसा भी ट्रिग्नोमेट्रिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, कैसा भी हो, अलजेब्रिक हो, जो भी हो, तो आपका क्या होगा, इन चारों, इन चारों में से किसी एक कैटेगरी में आएगा। या तो क्या होगा, वो वन वन होगा और आर टू होगा, वन वन और आर टू दोनों होगा। वन वन और आर टू होने का मतलब क्या होगा, वन वन भी है और आर टू भी है। वन वन है मतलब डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज बन रहा है, आर टू है मतलब बी सेट के हर एक एलिमेंट का इमेज बन रहा है, तो उसको हम बोलेंगे वन वन आर टू, है ना। उसको क्या बोलेंगे, वन वन आर टू। मतलब आप ऐसे देख सकते हैं कि मान लीजिए इसमें आपका चार एलिमेंट है, इसमें भी आपके चार एलिमेंट है, और है ना डिफरेंट डिफरेंट का डिफरेंट डिफरेंट इमेज भी बने, और इसके साथ साथ बी सेट के हर एक एलिमेंट का भी इमेज बने, बी सेट पे कोई एलिमेंट खाली नहीं रहे। तो आपका क्या हुआ, डिफरेंट का डिफरेंट बना तो वन वन हो गया, बी सेट के हर एक एलिमेंट पे इमेज बना तो ऑन टू हो गया। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ये फंक्शन आपका क्या है, वन वन ऑन टू है, क्या है, वन वन ऑन टू फंक्शन है। अब वन वन इन टू क्या होगा, मतलब वन वन हो और इन टू हो, वन वन हो और इन टू हो, मतलब वन वन के लिए डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज बने, और इन टू हो मतलब बी सेट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसका कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो। मतलब आपका ये सेट है, ये बी सेट है, इसमें मान लीजिए आपके चार एलिमेंट, इसमें मान लीजिए आपके क्या है, पांच एलिमेंट, इसका इसका इमेज बन गया चार होगा, लेकिन एक एलिमेंट बी सेट में क्या हो गया, खाली रह गया, है ना, बी सेट में एक एलिमेंट खाली रह गया। तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज तो बना, चार एलिमेंट है, चारों का इमेज बना, डिफरेंट डिफरेंट बना, लेकिन बी सेट में एक एलिमेंट ऐसा है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, मतलब ये ऑन टू नहीं हो सकता, ऑन टू नहीं हो सकता, क्या होगा, इन टू होगा, वन वन है और इन टू है, तो क्या हो गया आपका, वन वन इन टू फंक्शन हो गया। ऐसे मेनी वन ऑन टू, मेनी वन ऑन टू मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट का सेम इमेज बनेगा और उसके साथ साथ वो ऑन टू भी रहेगा। जैसे मान लीजिए इस वाले में यहाँ पे एक एलिमेंट और है और इसका भी इमेज इसमें बन रहा, ऐसा तो क्या होगा, इसमें आप देखेंगे एक से ज्यादा एलिमेंट, दो एलिमेंट का सेम इमेज बन रहा है, मतलब ये क्या हो गया, मेनी वन हो गया, मेनी वन हो गया। अब मेनी वन क्या, ऑन टू है कि नहीं है देखते,
बी सेट में चार एलिमेंट है, चारों पर कोई ना कोई इमेज बन रहा है, मतलब हर एक का प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो है मेनी वन के साथ हो क्या है ऑनटू है, मेनी वन है क्योंकि एक से ज्यादा एलिमेंट का सेम इमेज बन रहा है, ऑनटू है क्योंकि बी सेट के हर एक एलिमेंट पर इमेज बन रहा है। तो ये क्या हो गया मेनी वन ऑनटू। अब मेनी वन इनटू कैसे होगा, मेनी वन इनटू मान लीजिए आप क्या है इसमें कुछ एलिमेंट और ऐड कर ले रहे हैं, एक एलिमेंट और है मान लीजिए क्या हो इसका इस पर इमेज बन जाए है ना, तो आपका क्या होगा अभी आपका वन वन नहीं रहेगा, क्या हो गया मेनी वन हो गया क्योंकि आपका दो एलिमेंट का सेम इमेज बन रहा है, एक से ज्यादा एलिमेंट का सेम इमेज बनेगा तो वन वन नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा मेनी वन हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया मेनी वन हो गया। अब मेनी वन के साथ ऑन टू है या इन टू है ये देखना है, ऑन टू कब होगा बी सेट के हर एक एलिमेंट पे इमेज बना होगा तब हमारा ऑन टू होगा, अगर कोई एलिमेंट खाली रह जाएगा तो ऑन टू नहीं होगा तो क्या होगा इन टू हो जाएगा, यहाँ पे एक एलिमेंट खाली है तो हमारा क्या है मेनी वन इन टू फंक्शन, तो ये आपका क्या हो गया मेनी वन इन टू फंक्शन। अब कुछ एग्जाम्पल सुन लो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू।